उर्दू दुनिया के नाजरीन, नई वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। भारत एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश में मुनव्विस निकला। न्यूजीलैंड की टीम ने दौरा पाकिस्तान अचानक क्यों मनसूख किया? ऐसे सबूत सामने आ गए जिसे देखकर हर पाकिस्तानी गुस्से से तिलमिला उठा। क्या पाकिस्तान पर क्रिकेट के दरवाजे फिर बंद होने वाले हैं? तहलकाखेज इंकशाफ सामने आ गया। वीडियो में ये भी बताएंगे कि आखिर भारत ने न्यूजीलैंड को कौन सी ऐसी धमकी दी जिसने न्यूजीलैंड को पाकिस्तान से भागने पर मजबूर किया, जबकि वीडियो के आखिर में बताएंगे कि न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम माजी में कितनी बार और किस किस मुल्क के दौरे अधूरे छोड़कर वापस जा चुकी है। तमाम हकायक जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नाजरीन आपसे भरपूर गुजारिश है कि वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो वो हमें कमेंट के जरिए आगाह जरूर किया करें, और अगर आपने हमारा चैनल उर्दू दुनिया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को भी जरूर दबाएं। नाजरीन कहते हैं, जितने मर्जी जतन कर लिए जाएं, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। ये हाल हमारे हमसाए मुल्क भारत का है जो कि अजल से पाकिस्तान का दुश्मन है। कोई ना कोई ऐसी शैतानी साजिश में मुलविस रहता है जिससे पाकिस्तान को आलमी सतह पर नुकसान उठाना पड़ता है। इसी तरह की एक साजिश भारत ने गुज़िश्ता रोज भी की जिसने न्यूजीलैंड की टीम को पाकिस्तान से भागने पर मजबूर किया। आखिर ऐसी क्या धमकी थी ये हम आपको वीडियो में आगे चलकर बताएंगे। यहाँ आपको गुज़िश्ता रोज होने वाले मायूस कुन वाक्य के बारे में बताते हैं। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम 18 वर्ष बाद पाकिस्तान के दौरे पर इस्लामाबाद पहुंची। इस दौरे पर न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के खिलाफ रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 3 एक रोजा मैच खेलने थे, जबकि 5 T20 मैचेस की सीरीज लाहौर के कदाफी स्टेडियम में खेली जानी थी, मगर न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने सिक्योरिटी का बहाना बनाकर पाकिस्तान का दौरा मैच शुरू होने से चंद घंटे पहले मनसूख कर दिया। आखिर असल वजह क्या बनी? क्या वाकई सिक्योरिटी का मसला था? हर किसी के जहन में यही सवाल है, जिसे न्यूजीलैंड के क्रिकेट हुकाम की पुरसरार खामोशी ने नए रुख की जानिब मोड़ दिया है। इस दौरे को सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर मंसूख किए जाने के मामले का सबसे अहम पहलू ये है कि न्यूजीलैंड की टीम के पाकिस्तान पहुंचने से पहले क्रिकेट की दुनिया के सबसे मारूफ सिक्योरिटी माहिर रिक डिकासन ने पाकिस्तान आकर इस दौरे में सिक्योरिटी से मुतलिक तमाम इंतजामात और इकदाम का खुद जायजा लिया था और इन पर मुकम्मल इत्मीनान जाहिर किया था। काबिल जिक्र बात यह है कि रिक डिकासन ने न सिर्फ न्यूजीलैंड बल्कि आइंदामा पाकिस्तान के दौरे पर आने वाली इंग्लैंड की टीम के भी सिक्योरिटी कंसल्टेंट हैं, क्योंकि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 2 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलने आइंदामा पाकिस्तान आने वाली है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम जुम्मे के रोज़ न्यूजीलैंड टीम के दौरा की मनसूखी के सिलसिले में इसके क्रिकेट बोर्ड के साथ मसरूफ रहे, लेकिन इतलात ये हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वसीम खान इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के हुकाम से राबता करने वाले हैं, क्योंकि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने एक बयान जारी किया है जिसमें इसने कहा कि वह पाकिस्तान में अपनी सिक्योरिटी टीम से राबते में है और वो 24 से 48 घंटे में ये फैसला करेगा कि इनका तयशुदा दौरा होना चाहिए या नहीं। नाजरीन, दूसरी जानब एक और अहम खबर ये है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे एक मरतबा फिर बंद होने का इम्कान है। ऑस्ट्रेलियन मीडिया का कहना है कि न्यूजीलैंड के बाद अगर इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान का दौरा मंसूख कर दिया तो ऑस्ट्रेलिया के दौरे के इम्कान भी मध्यम हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया का 2022 में 24 साल बाद पाकिस्तान का दौरा शेड्यूल है। बरतानवी क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान का दौरा करने या ना करने का फैसला आज करेगा। नाजरीन, दूसरी जानब पाक न्यूजीलैंड सीरीज मनसूख होने पर कौमी क्रिकेटर्स अफसरदा हो गए। सीरीज मनसूख होने पर कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद हफीज, अनवर अली, आमिर यामीन और दीगर क्रिकेटर्स का दुख भरे ट्वीट करते हुए मायूसी का इजहार किया है। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि पाक न्यूजीलैंड सीरीज खत्म होने पर मायूसी हुई। सीरीज से लाखों शायकीन क्रिकेट के चेहरों पर मुस्कुराहट आनी थी। सिक्योरिटी इदारे हमारा फख्र हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। मोहम्मद हफीज ने सोशल मीडिया की वेबसाइट ट्विटर पर एक पैगाम में कहा कि पाकिस्तान महफूज मुल्क और काबिल फख्र कौम है। सीरीज मनसूख करने का फैसला पूरी कौम के लिए अफसोसनाक है। आमिर यामीन ने अपने ट्वीट में मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान महफूज मुल्क है, सीरीज का मनसूख होना मायूस कुन खबर है। अनवर अली खान ने अपने ट्वीट में कहा कि पाक न्यूजीलैंड सीरीज मुलतवी होने पर दिल अफसरदा है, ये अच्छा नहीं हुआ, आपको बेहतरीन सिक्योरिटी फरहम की गई, सीरीज मुलतवी करने का एक तरफा फैसला दुरुस्त नहीं। शादाब ने कहा कि न्यूजीलैंड का यूं अचानक दौरा पाकिस्तान मुलतवी करना दिल दहला देने के बराबर है। पाकिस्तानियों को क्रिकेट बहुत पसंद है और हमने मुल्क में क्रिकेट को वापस लाने के लिए बहुत मेहनत की है।
शादाब खान ने कहा कि PSL और पाकिस्तान का दौरा करने वाली दीगर टीमें हमारी मेहमान नवाजी और सिक्योरिटी इंतजाम का सबूत हैं। कौमी क्रिकेटर्स ने मजीद कहा कि हम मुल्क में क्रिकेट वापस लाने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। इमामुल हक ने अपने ट्वीट में कहा, मेरा मुल्क महफूज है, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए महफूज है। कौमी टीम के फास्ट बॉलर हसन अली ने कहा कि ये सोचकर मैं और ज्यादा अफसरदा हो रहा हूँ कि हमारे फैंस कितने अपसेट होंगे। हसन अली ने कहा कि मैं दुनिया से यही कहूँगा कि हमारा मुल्क क्रिकेट के लिए महफूज है। हसन अली ने कहा कि फैंस से यही कहूँगा कि हम इनकी अफसरदगी को खुशियों में बदलेंगे। फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी ने कहा कि दौरा न्यूजीलैंड के ऐन वक्त पर मनसूख होने पर अपनी मायूसी बयान करने से कासिर हूँ। उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि काश मेरे पास अपनी मायूसी को बयान करने के लिए अल्फाज होते। शाहीन शाह ने कहा, हमारे पास ना सिर्फ दुनिया की बेहतरीन सिक्योरिटी फोर्स है बल्कि बहुत सी गैर मुल्की टीमों ने पाकिस्तान में अपने क्रिकेट दौरे कामयाबी से और पुरअमन तरीके से मुकम्मल किए हैं। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे दुनिया के बेहतरीन इदारे हैं। नाजरीन, यहाँ ये बात भी काबिले जिक्र है कि न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम की गैर मुल्की दौरे मनसूख या अधूरा छोड़कर जाने की कहानी बड़ी पुरानी है। सवाल यह है कि न्यूजीलैंड के साथ ही ऐसा क्यों होता है। सन 1987 में न्यूजीलैंड की टीम श्रीलंका के दौरे पर थी, लेकिन पहले टेस्ट के बाद कोलंबो में होने वाले बम धमाके में 100 से ज्यादा अफराद की हलाकत के बाद इसने ये दौरा खत्म कर दिया था। 1992 में न्यूजीलैंड टीम के मुतअद्दिद खिलाड़ियों ने कोलंबो में टीम होटल के करीब होने वाले बम धमाके के बाद श्रीलंका का दौरा जारी रखने से इनकार कर दिया था और वतन वापस चली गई थी। 2001 में न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के दौरे पर रवाना हुई और वो भी अभी सिंगापुर पहुंची थी कि 9/11 का वाकया रोनमा हो गया और वो भी वहीं से वतन वापसी रवाना हो गई। 2002 में न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के खिलाफ कराची टेस्ट खेलने के लिए अपने होटल से स्टेडियम के लिए रवाना होने वाली थी कि इस दौरान फ्रांसीसी इंजीनियर्स के खुदकुश हमले में हलाकत के वाकये ने इसे दौरा खत्म करके वतन वापस जाने पर मजबूर कर दिया था। नाजरीन, न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान की मनसूखी का क्रिकेट के हलकों में जो रद्दअमल सामने आया है वो अपनी जगह, लेकिन इसे क्रिकेट से बढ़कर भी मामले के तौर पर देखा जा रहा है। न्यूजीलैंड का दौरा मनसूख होने की जितनी खुशी भारत को है, इसने बहुत कुछ वाजिया कर दिया है, जबकि यहाँ हमें कुछ ऐसे इंकशाफात भी पता चले कि जिससे जानकर आप भी बखूबी अंदाजा लगा सकेंगे कैसे भारत ने धमकी देकर न्यूजीलैंड को पाकिस्तान से भागने पर मजबूर किया। नाजरीन, भारत ने न्यूजीलैंड को धमकी दी कि अगर वह पाकिस्तान का दौरा करेगा तो भारतीय टीम न्यूजीलैंड मैच खेलने नहीं आएगी, जिसका अमली मुजाहरा भी आपको गुज़िश्ता दिनों देखने को मिला जब भारतीय क्रिकेट टीम का दौरा न्यूजीलैंड मुलतवी हो गया। न्यूजीलैंड मीडिया के मुताबिक भारतीय क्रिकेट टीम को 3 वनडे के लिए न्यूजीलैंड का दौरा करना था जो अब मुलतवी कर दिया गया है। 3 वनडे मैचेस वर्ल्ड कप सुपर लीग का हिस्सा हैं जो आइंदा बरस खेले जाएंगे। नाजरीन, न्यूजीलैंड ने भारत की धमकी पर जिस तरह दुनिया भर में पाकिस्तान का मजाक बनाया, इसका अंदाजा इसे बहुत जल्द हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के नए चेयरमैन रमीज राजा ये साफ कह चुके हैं कि अब न्यूजीलैंड से ICC में बात होगी। नए आने वाले नाजरीन से एक बार फिर गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को क्लिक जरूर करें। वीडियो पसंद आने पर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर करें।